स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर, बड़ी अपडेट्स की बात करेंगे। सेटअप परिवर्तन समायोजन 6D को लेकर शिक्षक साथियों के लिए नए दिशा निर्देश तय किए गए हैं विभाग के द्वारा। बात करेंगे निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के एक ऑर्डर की, जिसमें अधिशेष शिक्षक कार्मिकों के समायोजन के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो बात करेंगे शिक्षक साथियों के लिए। समस्त संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक और माध्यमिक समस्त जिलों को निर्देश दिए गए हैं अधिशेष शिक्षकों के कार्मिकों के समायोजन को लेकर, और इनके दिशा निर्देश भी तय कर दिए गए हैं। तो हम देख लेते हैं क्या क्या दिशा निर्देश तय किए गए हैं, किस प्रकार से कार्रवाई होगी 6D और समायोजन से संबंधित सरकार की क्या मंशा है। तो बताया गया है इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सहित समस्त राजकीय विद्यालय में विभिन्न कारणों से अधिशेष चल रहे कार्मिकों के समायोजन के संबंध में निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। सबसे पहले पदों का निर्धारण होगा। तो विद्यालय में अधिशेष शिक्षकों की पहचान के लिए विद्यालय वार स्वीकृत माने जाने वाले पदों का निर्धारण निम्नानुसार से किया जाएगा। सबसे पहले पदों का निर्धारण होगा समायोजन से पहले। तो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अधिशेष कार्मिकों की गणना करते समय राज्य सरकार के दिशा निर्देश जो है जयपुर दिनांक 14/6/2019 की प्रतिशत लग्न के अनुसार अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पद स्वीकृत माने जाने हैं। उक्त चाहे उक्त अनुसार पद स्वीकृत होना शेष हो या शाला पोर्टल पर अप्रदर्शित हो तो वो पद स्वीकृत माने जाने हैं। इसके साथ ही हिंदी माध्यम विद्यालयों के लिए स्वीकृत पद व कर्मोन्नत विद्यालयों में न्यूनतम नामांकन के आधार पर शासन के दिशा निर्देश 30/4/2015 की प्रति संलग्न के अनुसार पद स्वीकृत माने जाने हैं, चाहे उक्त अनुसार पद स्वीकृत होना शेष है। ये तो पदों का निर्धारण हो गया। अब स्पष्ट रूप से अधिशेष कार्मिक की पहचान कैसे होगी इसके संबंध में उन्होंने बात कही है कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के शिक्षक व कार्मिकों के चयन के उपरांत कार्यग्रहण के पश्चात ही उस या उन विद्यालय में पहले से कार्य समकक्ष अचयनित शिक्षकों कार्मिकों को अधिशेष माना जाएगा। तो सर्वप्रथम सबसे इम्पोर्टेंट बात यहीं पर ये आ जाती है कि अधिशेष कार्मिक किसको माना जाएगा। तो सबसे पहला जो इन्होंने पॉइंट दिया है वो ये दिया है कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लिए शिक्षक कार्मिकों के चयन के उपरांत व कार्यग्रहण के पश्चात ही उन विद्यालय में पहले से कार्यरत समकक्ष अचयनित शिक्षक कार्मिकों को अधिशेष माना जाए। दूसरा है अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में मानदंड के अनुसार सज्जन योग्य पदों से अधिक कार्यरत होने की स्थिति में भी कार्मिकों को जो है अधिशेष माना जाएगा। अब आगे बात करें तो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जिनमें पूर्व प्राथमिक कक्षा संचालित की जा रही है उसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों के पदस्थापन पर कार्यग्रहण करने की स्थिति में इन विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन हेतु चयनित अध्यापक लेवल प्रथम शिक्षकों को अधिशेष माना जाएगा। इसके साथ ही कर्मोन्नत विद्यालय में जिसमें 30/4/2015 में अंकित मानदंड के अनुसार पद स्वीकृत मानकर मानदंडों से अधिक कार्यरत शिक्षकों कार्मिकों को भी अधिशेष माना जाएगा। जिन अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षक पद हेतु चयन प्रक्रिया से पूर्व में चयनित अध्यापक लेवल प्रथम द्वितीय का पदस्थापन किया गया है लेकिन इन विद्यालय में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक पैसे कंप्यूटर अनुदेशक का पद स्वीकृत होकर कार्मिक पदस्थापित है को भी अधिशेष मानते हुए समायोजन किया जाएगा। छठा पॉइंट लिखा गया है कि अधिशेष के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में जिस स्तर की अंग्रेजी माध्यम की कक्षा संचालित हो रही है उस स्तर तक पद प्रावधान हेतु अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु जारी मानदंड लागू होंगे, संलग्न दिए गए हैं। जैसे कि हिंदी माध्यम की कक्षाओं हेतु पूर्व मानदंड अनुसार स्वीकृत पदों के अतिरिक्त अधिशेष कार्मिकों का निर्धारण किया जाएगा। नंबर 7 है प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय में स्वीकृत पद मानदंड के अनुसार स्वीकृत योग्य से अधिक पदस्थापित कार्मिक अधिशेष जो होंगे। प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय में जो भी स्वीकृत पद हैं या मानदंड के अनुसार जितना स्वीकृत योग्य है उससे अधिक पदस्थापित कार्मिक है वही सारे अधिशेष में आ जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालय में पदस्थापित जो कार्मिक है जैसे वरिष्ठ प्रबोधक, प्रबोधक, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी, पंचायत शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक, पैरा टीचर, ट्रेनिंग टीचर इत्यादि जिनके पद इन विद्यालयों में नहीं होते हैं वे विभाग में अधिशेष माने जाएंगे। तो इनको भी अधिशेष में लिया गया है। न्याय प्रकरण में स्थगन प्राप्त शिक्षक कैसे हैं कार्मिक है उनको अधिशेष नहीं माना जाए, इस कारण से संबंधित पद पर अन्य पदस्थापित शिक्षक कार्मिक अधिशेष होंगे। तो न्याय प्रकरण में जो है स्थगन है, स्टे लेके बैठे हैं ऐसे शिक्षक कार्मिक उनको अधिशेष नहीं माना जाए और इस कारण से संबंधित पद पर अन्य जो पदस्थापित शिक्षक कार्मिक उनको अधिशेष माना जाएगा, वो अधिशेष होंगे। इसके साथ ही मंत्रालय सेवा के अधिशेष कार्मिकों की पहचान करते समय राजस्थान सरकार के कार्मिक दिनांक ऑर्डर 25/5/2022 की प्रति के अनुसार संलग्न जो है उसके अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा। अब सामान्य दिशा निर्देश जो तय किए गए हैं इस समायोजन की प्रक्रिया जिसे हम 6D कहें या समायोजन कहें, स्टाफिंग पैटर्न कहें, तो इसके सामान्य दिशा निर्देश जो सरकार ने तय किया वो ये है कि विद्यालय में कार्मिकों की कार्यग्रहण तिथि के आधार पर वरिष्ठ कार्मिक का समायोजन उसी विद्यालय में करते हुए कनिष्ठ कार्मिक को विद्यालय में अधिशेष माना जाएगा। अब यहाँ पर यह भी एक क्लेरिफिकेशन दिया गया है कि जो विद्यालय में कार्मिक की कार्यग्रहण तिथि है उसको आधार माना जाएगा। सबसे पहले किसने ज्वाइन किया है तो कार्यग्रहण तिथि के आधार पर जो वरिष्ठ कार्मिक है उसका
समायोजन उसी विद्यालय में करते हुए कनिष्ठ कार्मिक को विद्यालय में अधिशेष माना जाएगा। तो ये कार्यगण तिथि इम्पोर्टेंट पॉइंट है। विद्यालय में जो आपने कार्यगण किया है तो कार्यगण तिथि के आधार पर आपकी वरिष्ठता बनती है। तो वरिष्ठ कार्मिक का समायोजन उसी विद्यालय में करते हुए जो कनिष्ठ कार्मिक है उसको विद्यालय में अधिशेष माना जाएगा। इसी प्रकार ग्राम पंचायत ब्लॉक में अधिशेष कार्मिकों को चिन्हित किया जाकर समायोजन किया जाएगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु अचयनित शिक्षकों और कार्मिकों की बात करें तो अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए अचयनित शिक्षक कार्मिकों की अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में केवल तभी लगाया जाएगा जबकि हिंदी माध्यम विद्यालय में पद रिक्त नहीं हो। ये भी इम्पोर्टेंट है कि अंग्रेजी माध्यम यानी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में अचयनित कोई शिक्षक कार्मिकों को अंग्रेजी माध्यम में तभी भेजा जाएगा जब हिंदी माध्यम में पद रिक्त न हो, तब उनको अंग्रेजी में भेजा जाएगा। यह समायोजन केवल चयनित शिक्षक कार्मिक उपलब्ध होने तक के लिए ही किया जाएगा। वो ये भी है कि जो समायोजन होगा आपका भेजा जाएगा तो चयनित शिक्षक कार्मिक के उपलब्ध होने तक के लिए होगा। तीसरा है माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालय में अधिशेष कार्मिकों का समायोजन उसी स्पष्ट रिक्त पद विषय पर मूल पद के अनुसार ही माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालय में किया जाए। तो माध्यमिक शिक्षा विद्यालय में जो भी अधिशेष कार्मिक का समायोजन है, जो भी रिक्त पद है, विषय उसके मूल पद के अनुसार होगा और माध्यमिक शिक्षा के विभाग के विद्यालय में ही किया जाए। अन्य पद अन्य विषय के विरुद्ध पदस्थापन कतई नहीं किया जाए। तो जैसा कि इसने स्पष्ट किया है यहाँ पर कि अन्य पद या अन्य विषय के विरुद्ध उनको पदस्थापन न दिया जाए माध्यमिक शिक्षा विभाग में, और माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालय में रिक्त पद शेष नहीं रहने पर प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालय में समायोजन की कार्रवाई भी की जाए। ये भी है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में पहले भेजना है टीचर्स को, माध्यमिक शिक्षा विभाग में ही उनका किया जाए जो माध्यमिक शिक्षा विद्यालय के अधिशेष कार्मिक है, लेकिन पद शेष रिक्त नहीं है, अगर रिक्त पद शेष नहीं रहने पर तो प्रारंभिक शिक्षा विद्यालय में समायोजन की कार्रवाई भी की जाएगी। अभी जो इम्पोर्टेंट बात कही गई है वो यहाँ पर क्लियर है कि जिन अध्यापक जैसे कि अध्यापक L1 L2 की नियम 63 के तहत शिक्षा विभाग में लिए जाने की कार्रवाई की जा चुकी है अनिवार्यतः माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालय में लगाया जावे। यदि जिले में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन विद्यालय पद रिक्त नहीं है तो ही उन्हें प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन विद्यालय में लगाया जाए। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर की गई है पॉइंट नंबर 4 जिसमें लिखा गया है कि लेवल 1 लेवल 2 जिसके नियम 63 के तहत शिक्षा विभाग में लिए जाने की कार्रवाई की जा चुकी है यानी जिनकी 3B या 6D हो चुकी है उन्हें अनिवार्यतः माध्यमिक शिक्षा विभाग के ही विद्यालय में लगाया जाए, तो उन्हें वापस माध्यमिक में भेजा जाएगा। और साथ ही यदि जिले में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन कोई भी विद्यालय में पद रिक्त नहीं है तो उन्हें प्रारंभिक के विद्यालय में लगाया जाए। इसके साथ ही नंबर 5 पॉइंट की बात करेंगे आगे, जिन विद्यालय जिन अध्यापकों में जैसे लेवल 1 लेवल 2 के संबंध में राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 नियम के तहत 63 के तहत शिक्षा विभाग में ले जाने की कार्रवाई नहीं की गई उन्हें विभाग में पद शेष नहीं होने की स्थिति में ही अधिशेष मानते हुए पंचायती राज पदों पर लगाया जाए। तो ये भी एक नियम क्लियर किया गया है कि अध्यापक L2 L1 के संबंध में सेवा नियम जो है 2021 नियम 63 के तहत शिक्षा विभाग में लिए जाने की कार्रवाई नहीं की गई है। तो ऐसे जो भी अध्यापक L1 L2 को जिनकी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है तो उन्हें विभाग में पद शेष नहीं होने की स्थिति में ही अधिशेष मानते हुए पंचायती राज पदों पर ही लगाया जाए। साथ ही माध्यमिक शिक्षा विभाग में समायोजन नहीं हो सकने वाले अधिशेष कार्मिक जैसे वरिष्ठ प्रबोधक वरिष्ठ शिक्षाकर्मी पंचायत शिक्षक कनिष्ठ शिक्षक पैरा टीचर ट्रेनिंग टीचर इत्यादि को प्रारंभिक शिक्षा विभाग के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में पदस्थापित किया जाए। तो ये भी एक पॉइंट क्लियर किया गया है, माध्यमिक शिक्षा विभाग में समायोजन नहीं हो सकने वाले जो अधिशेष कार्मिक है या माध्यमिक शिक्षा में नहीं लग पाए हैं तो ऐसे टीचर हैं चाहे वो वरिष्ठ प्रबोधक शिक्षाकर्मी पंचायत शिक्षक कनिष्ठ शिक्षक पैरा टीचर ट्रेनिंग टीचर इत्यादि जो है उनको प्रारंभिक शिक्षा के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में पदस्थापित किया जाएगा। जो माध्यमिक शिक्षा में समायोजन नहीं होने वाले कार्मिकों के संबंध में है वो जो अधिशेष कार्मिक है उनके संबंध में। इसके साथ अनुसूचित क्षेत्र के अराजपत्रित शिक्षकों कार्मिकों को नियमानुसार केवल अनुसूचित क्षेत्र के विद्यालय में व गैर अनुसूचित क्षेत्र के अराजपत्रित शिक्षकों कार्मिकों को केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र के विद्यालय में ही लगाया जाए यानी TSP non-TSP जिसे कहते हैं उनके मैटर में है बात। इसके साथ ही जो पॉइंट है वो भी पढ़ लेते हैं आगे, और जो इंपॉर्टेंट बातें रखी गई है इसमें अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थापित शिक्षक कार्मिक जिनका TSP से non-TSP क्षेत्र में स्थानांतरण आदेश जारी किया जा चुका है किंतु रिलीवर के अभाव में उनको कार्यमुक्त नहीं किया जा सका उनको उन्हीं विद्यालयों में उपलब्ध रिक्त पद पर पदस्थापित माना जाए। इसके साथ ही नवा नियम रखा गया है राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण शिक्षा नियम 2010 के तहत नियुक्त शिक्षकों कार्मिकों को केवल ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में लगाया जा सकेगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए चयनित हुए शिक्षकों कार्मिकों के अधिशेष होने की स्थिति में उन्हें अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में प्राथमिकता से लगाया जाए।
इंग्लिश मीडियम में चयनित हुए शिक्षक कार्मिकों के अधिशेष होने की स्थिति में मोस्टली पहले उनको अंग्रेजी माध्यम में ही लगाया जाए, उसे प्राथमिकता दी जाए। इसके साथ ही शिकायत के आधार पर कोई एपीओ किए गए प्राथमिक जांच में दोषी पाए गए प्राथमिक जांच 10 दिन में पूर्ण की जाए। शिक्षक कार्मिक को उनके पूर्व पदस्थापन स्थान के वरिष्ठ क्षेत्र में संबंधित नियुक्त अधिकारी द्वारा उसके अनुसार दुरुस्त जिले दुरुस्त ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र में लगाया जाएगा। अन्य कारणों की बात करें तो प्रतिनियुक्ति समाप्ति सहित से एपीओ किए गए शिक्षक कार्मिकों का समायोजन एपीओ किए जाने के समय प्रतिनियुक्ति पर जाने से पूर्व पदस्थापन जिले के उसी विद्यालय में पूर्व पदस्थापन विद्यालय के निकटतम विद्यालय के पद पर लगाया जाएगा। इसके साथ नई प्रकरण में स्थगन के कारण एक ही पद पर एक से अधिक शिक्षक कार्मिकों के पदस्थापन के कारण अधिशेष हुई अन्य शिक्षक कार्मिकों को अंतिम निर्णय के दिन पूर्व पद पर कार्यकरण करवाया जाए। साथ ही पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में एपीओ में उपस्थित दे रहे शिक्षक कार्मिकों का समायोजन भी अधिशेष कार्मिकों के समायोजन के साथ ही कर दिया जाए। इसके साथ अधिशेष कार्मिकों का समायोजन रिक्तियों के निम्नलिखित क्रम में किया जाएगा। अब अधिशेष कार्मिकों का समायोजन जो होगा इस प्रकार से होगा, रिक्ति जो रहेगी यानी वैकेंट सीट रहेगी इस प्रकार रहेगी कि एक तो उसी विद्यालय में पद रिक्त होने पर पहला तो पॉइंट है उसे वहीं सेट किया जाए जो भी है उसी विद्यालय में रिक्त पद होने पर पहला पॉइंट। दूसरा है उसी राजस्व ग्राम में पद रिक्त होने पर, फिर उसी ग्राम राजस्व ग्राम पद रिक्त नहीं होने पर उसी ग्राम पंचायत के अन्य विद्यालय में पद रिक्त होने पर, फिर ग्राम पंचायत में भी पद रिक्त नहीं होने पर उसी ब्लॉक में स्थित विद्यालय में रिक्त पद पर, फिर संबंधित ब्लॉक में भी पद रिक्त नहीं होने पर अन्य ब्लॉक के विद्यालय में रिक्त पद पर यथासंभव निकट के ब्लॉक के विद्यालय में। यानी इस चरणबद्ध तरीके से जो वैकेंट सीट रहेगी उसके अनुसार उन अधिशेष कार्मिकों का समायोजन होगा। सबसे पहले तो उसके विद्यालय में तो निकटतम जो भी विद्यालय उसमें उसी ग्राम में यानी उसी पीओ क्षेत्र में पद रिक्त है तो उसी में लगाया जाएगा, उसमें नहीं है तो उसी ग्राम पंचायत के अन्य किसी विद्यालय में रिक्त होने पर, ग्राम पंचायत में भी नहीं है तो उसी ब्लॉक के किसी अन्य विद्यालय में रिक्त पद पर, और ब्लॉक में भी रिक्त नहीं होने पर अन्य ब्लॉक के रिक्त पद निकट के ब्लॉक के विद्यालय में उनको पदस्थापन दिया जाएगा। इसके साथ ही बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा के अधिशेष कार्मिकों का समायोजन राज्य सरकार के नियमानुसार 28/5/2019 की प्रति जो संलग्न है उसके अनुसार प्रक्रिया के अनुसार किया जाए। मंत्रालय कर्मचारियों का समायोजन संभवतः उसी जिले के विद्यालय में ही किया जाएगा, जिले के विद्यालय पद रिक्त नहीं होने पर कार्यालय में लगाया जा सकेगा। शहरी क्षेत्र के अधिशेष कार्मिकों का समायोजन शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र के अधिशेष कार्मिकों का समायोजन ग्रामीण क्षेत्र में किया जाएगा। तो ये भी किया गया है के लिए शहर वालों को शहर में, ग्रामीण वालों को ग्रामीण में। अब अधिशेष कार्मिकों का समायोजन प्रक्रिया के लिए समय सारणी भी जारी कर दी गई है सरकार के द्वारा। समायोजन की प्रक्रिया इस प्रकार होगी कि अधिशेष कार्मिकों की पदवार सूची तैयार होगी 18/9/2024 तक, यानी 18 सितंबर तक ये सूचियाँ तैयार होगी। अधिशेष कार्मिकों में से समायोजन योग्य कार्मिकों की बिंदु संख्या 3 के उपबिंदु 15 के अनुसार संभावित पदस्थापन जो रहेगा वो 20/9/2024 तक पदस्थापन के लिए उनको तैयार किया जाएगा लिस्टों को। इसके साथ ही सूची तैयार करना 20 तक। फिर है माध्यमिक शिक्षा विभाग में क्रम संख्या 2 की कार्रवाई के उपरांत शेष अधिशेष कार्मिकों सूची प्रारंभिक शिक्षा विभाग को सुपुर्द की जाएगी 20/9 तक, और इसके साथ प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग से लौटाए गए व प्रारंभिक शिक्षा में अधिशेष कार्मिकों की समेकित पदवार सूची तैयार की जाएगी 23 सितंबर तक। तो यानी पहले तो ये सूचियाँ तैयार होगी प्रारंभिक शिक्षा विभाग के द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग से लौटाए गए, और प्रारंभिक शिक्षा में रहे अधिशेष कार्मिकों की समय की सूची रहेगी 23 तक। फिर है नंबर 5 में प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा बिंदु संख्या 3 के उपबिंदु 15 के अनुसार संभावित पदस्थापन स्थान सहित सूचियाँ तैयार करना 25 तक। फिर लास्ट में है नंबर 6 पॉइंट प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा पदस्थापन आदेश जारी करना, यानी लास्ट में आदेश भी जारी हो जाएंगे वो 26 सितंबर तक। यानी कुल मिलाकर 26 सितंबर तक ये कार्रवाई पूर्ण करनी है, ऐसे विभाग की जो है मंशा है। तो इस प्रकार का ये आदेश जारी कर दिया गया है शिक्षा विभाग द्वारा 6/9/2024 का ही ये ऑर्डर है, और हो सकता है सरकार अब जल्द अधिशेष कार्मिकों के समायोजन की प्रक्रिया को पूर्ण करेगी जिस प्रकार से ये समय सारणी टाइम फ्रेम जारी कर दिया गया है, और बाकी जो भी विभाग के नियम निर्देश है उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। अधिशेष कार्मिकों के नियम तय किए गए हैं, इसके दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ये अधिशेष कार्मिकों के समायोजन की प्रक्रिया रहेगी। यानी कुल मिलाकर इस सेप्टेम्बर में इस कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा, 26 सितंबर तक अंतिम जो दिए गए हैं, और पीछे बाकी तो नियम निर्देश है कई प्रकार के लंबे चौड़े, उसके अकॉर्डिंग ये कार्य होगा। वह भी प्रारंभिक के माध्यमिक के जो भी विद्यालय होते हैं उनके अकॉर्डिंग शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए, धन्यवाद।